नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। कथावाचक प्रदीप मिश्रा और तमतमाए प्रेमानंद महाराज आपस में भिड़े। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर टिप्पणी। गुस्से से लाल हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। आपको बता दें कि भोपाल के राधा रानी पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद प्रेमानंद महाराज जी तू तड़ाक पर आ गए। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों में विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया। बताया जा रहा है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाने की रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अन्य घोष है। उनकी सास का नाम जटिला और नंद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। प्रदीप मिश्रा कथा सुन रहे लोगों से पूछते हैं कि राधा जी कहां की रहने वाली थी। इस पर जवाब आता है कि वह बरसाना की थी। लोगों का जवाब सुनकर प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बरसाना नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी राधा जी। बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। राधा साल में एक बार कचहरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है कि बरस में एक बार आना। राधा रानी पर टिप्पणी के बाद संत प्रेमानंद महाराज जी तमतमा गए। उन्होंने कड़क शब्दों में प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर कहा कि तुम किस राधा की बात करते हो? अभी राधा को तुम जानते क्या हो? अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होती है। प्रेमानंद जी ने कहा कि वह प्रकट हुई और सदा प्रकट है। वह प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि बरसाने कभी गए हो, कभी देखा है? प्रेमानंद महाराज जी तलक तहजे में पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो, और प्रेमानंद महाराज जी भिड़ गए। प्रेमानंद महाराज इतने गुस्से में हैं कि वे प्रदीप मिश्रा के साथ तू तड़ाक पर आ गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कड़क शब्दों में पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज जी भड़के हुए हैं। वह कहते हैं कि कैसे तुम्हें बताऊं कि राधा जी क्या है? तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो? सिर्फ चापलूसी संसार वाले को रिझा सकते हो। श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो। गुस्से में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम देख लेना, किसी काम के नहीं रह पाओगे। यह श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा है। वह बरसाने आकर माफी मांगी। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि राधा जी भोली हैं, लेकिन उनके सेवक काल हैं। श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर पुरखा तर नहीं जाएंगे, वो नरक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज़ नेटवर्क।